तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीएसएल के एक और नए मैच प्रिडिक्शन वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएसएल के मैच नंबर 26 का, कौन रहने वाला है टॉस प्लस मैच विनर, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, हेड टू हेड सेशन, ड्रीम इलेवन, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाला सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो पीएसएल का मैच नंबर 26 खेला जाएगा कराची किंग वर्सेस लाहौर क्वालेंडर्स के बीच में। 9 मार्च को 7:30 PM से ये मैच खेला जाएगा नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना कराची में। ये कराची का होम ग्राउंड पिच है। इस सीजन इस पिच पे टोटल 3 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 33% मैचेस को विन की है, तो वहीं फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम 67% मैचेस को विन की है। यानी यहां जो टीम टॉस विन करेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करेगी। बिकॉज इस पिच का पिच रिपोर्ट देखे लास्ट 10 मैच के बेसिस पे तो बैटिंग फेवरेट पिच है सुटेबल फॉर पेसर्स है। यानी इस पिच पे बैट्समैन को अच्छा स्कोर करने का मौका मिलता है, वहीं दूसरी तरफ पेसर्स के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है ये पिच। ज्यादा से ज्यादा विकेट पेसर्स को मिलने को चांसेस रहते हैं, तो आप अपने फैंटेसी टीम के लिए पेसर्स को जरूर पिकअप कर लीजिएगा। ये आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेंगे और आप हेड टू हेड में जीतेंगे भी। मैं लास्ट में आपको अपना टीम भी बताऊंगा कि किस प्लेयर को आपको अपने फैंटेसी टीम के लिए रख लेना है, जिससे आपका अच्छा रैंकिंग आ सके और आप हेड टू हेड में जीत सके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं अब एक नजर इन दोनों टीमों के लास्ट 10 हेड टू हेड मैचेस के ऊपर डाले, तो इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 10 में से 7 मैचेस को कराची किंग ने विन किया है, तो लाहौर क्वालिंडर्स ने 3 मैचेस को विन किया है। यानी लाहौर क्वालिंडर्स जो है कराची किंग के अगेंस्ट में काफी ज्यादा वीक टीम रही है। वहीं आप जान लेते हैं कि इस मैच का टॉस कॉल किस टीम का रहने वाला है। तो इस मैच का टॉस कॉल लाहौर क्वालिंडर्स का रहने वाला है और मेरे तरफ से टॉस भी विन करेगा लाहौर क्वालिंडर्स। अगर टॉस से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है या फिर विनर चेंज होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉस के एक या डेढ़ घंटा पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉस में सेशन से जुड़ा हुआ सारा एंट्री अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही करा दिया जाता है। वहीं अब एक नजर इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे डाले, तो आप यहां पे कराची किंग का प्लेइंग 11 टीम देख सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और क्वालिंडर्स का भी आप यहां पे प्लेइंग 11 टीम देख सकते हैं, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर कोई चेंजेस आया तो टॉस के तुरंत बाद ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको फाइनल मैच विनर टीम यहीं पे दिया जाता है। टॉस होने के बाद आपको कब एंट्री लेना है, कब लॉस कट बुक सेट करना है, सारा एंट्री अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर करा दिया जाता है। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे क्रिकेट किंग दीपक सर्च करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग फैन टीम या फिर ड्रीम इलेवन टीम खेलते हैं, सिंपली किसी भी मैच अपडेट के ऊपर आपको आ जाना है, वहां पे आपको फैन टीम लिखा हुआ मिलेगा, उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही उस लिंक को आप ओपन कीजिएगा, आप हमारे ड्रीम इलेवन फैंटेसी टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा। आपको यहाँ पे टीम बना के दे दिया जाता है, आप यहाँ का टीम पिकअप कर सकते हैं, या आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेगा और आप हेड टू हेड में जीतेंगे भी। और आपको यहाँ पे ओवर सेशन भी करा दिया जाता है कि कौन सा सेशन यस होगा, कौन सा सेशन नो होगा। तो फटाफट जाइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगले मैच के वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।